एसडीएम ने तहसीलदार व नगर परिषद के पदाधिकारियों को दिए टैक्सी स्टैंड को जमीन चिन्हित करने के आदेश। एसडीएम कार्यालय में शहर में टैक्सी स्टैंड व पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपमंडलाधिकारी घुमारवी राजीव ठाकुर ने की। बैठक में नगर परिषद अध्यक्ष रीता सहगल, उपाध्यक्ष श्याम शर्मा, व्यापार मंडल अध्यक्ष हेमराज संख्यान, तहसीलदार घुमारवी, टैक्सी यूनियन के पदाधिकारी व एनएच विभाग के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में एसडीएम राजीव ठाकुर ने शहर में पार्किंग की समस्या को लेकर चिंता जाहिर की है और नगर परिषद और तहसीलदार को टैक्सी स्टैंड के लिए जगह चिन्हित करने के आदेश जारी किए हैं। टैक्सी चालकों ने कुछ दिन पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग को टैक्सी स्टैंड के लिए जगह उपलब्ध करवाने के लिए ज्ञापन सौंपा था। 31 तारीख तक स्थान उपलब्ध करवाएं, अन्यथा अमरन अनशन पर बैठा जाएगा, जिसका संज्ञान लेते हुए एसडीएम ने सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर हल निकालने का प्रयास किया है। टैक्सी चालकों ने एसडीएम की बात को मानते हुए अपना अनशन एक महीने के लिए टाल दिया है और दो टुक शब्दों में कहा है कि अगर स्थानीय प्रशासन एक महीने के अंदर टैक्सी स्टैंड के लिए जगह नहीं दे पाता है तो 1 अक्टूबर से स्थानीय मंत्री राजेंद्र गर्ग के घर के प्रांगण में अमरन अनशन पर बैठा जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी। राजीव ठाकुर ने बताया कि टैक्सी चालकों को टैक्सी स्टैंड के लिए जगह चिन्हित करने के लिए तहसीलदार को सरकारी भूमि, जो घुमारवी नगर परिषद के अंतर्गत आने वाली सरकारी भूमि को तलाशने के लिए कहा है। टैक्सी स्टैंड के लिए उन्होंने विभाग को सरकारी भूमि तलाशने के आदेश दिए हैं, ताकि इस समस्या को स्थानीय रूप से दूर किया जा सके। उन्होंने बताया कि नगर परिषद में आने वाली दो पंचायतों के लिए भी उनकी पंचायत में भूमि की व्यवस्था की जाएगी, ताकि एक जगह पर बड़ी पार्किंग स्थल का निर्माण हो सके। इसके लिए वह संबंधित पंचायतों के सदस्यों से बात करेंगे। पार्किंग की बहुत ज्यादा समस्या है, जहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ रोड के ऊपर लगी होती हैं। टैक्सी वालों की अपनी समस्या है। इस पार्किंग की समस्या के बारे में आज की बैठक रखी गई थी, जिसमें MC, PWD, राजस्व, पुलिस, टैक्सी यूनियन के लोग, सभी लोग उपस्थित थे। इसमें सबसे पहले यहाँ टैक्सी स्टैंड के बारे में जो उनकी समस्या थी उसके बारे में विचार विमर्श किया गया, और उसमें इनकी तरफ से था कि इनको बस स्टैंड के पास जगह दी जाए, और या फिर ओल्ड ब्रिज है वहाँ पर वरन का एडजस्टमेंट की जाए। वो टेम्प्रेरी एडजस्टमेंट है, और इनके लिए परमानेंट एडजस्टमेंट के लिए तिसलर और MC और टैक्सी यूनियन के साथ एक कमेटी बनाई गई, जो लैंड आइडेंटिफाई करें जहाँ पे इनका परमानेंट टैक्सी स्टैंड के बारे में विचार किया जा सके। इसके साथ जो घुमानवी बाज़ार में पार्किंग की समस्या है, उसके बारे में भी MC को और तिसलर साहब को भी गवर्नमेंट लैंड या प्राइवेट लैंड, जहाँ जहाँ लोग पार्किंग के लिए जगह दे सकते हैं या अलाउ करवा सकते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया। कुछ जगह आइडेंटिफाई किए जहाँ प्राइवेट पार्किंग में 200 तक गाड़ियाँ आ सकती हैं, प्राइवेट लोगों की लैंड या कुछ सरकारी भी। और वैसे सरकार की तरफ से जो पार्किंग बन रही है अभी, वो बन रही है, ठीक है, प्रपोजल्स है, लेकिन जब तक वो पार्किंग कंप्लीट नहीं होती है तो दिन प्रतिदिन गाड़ियाँ बढ़ रही हैं। उस हिसाब से जो प्राइवेट ओनर्स हैं जिनकी लैंड है और वो बेकार पड़ी हुई है, अगर वो अपनी लैंड के ऊपर पार्किंग करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो संभावना भी तलाश करने के लिए कहा गया, ताकि ये पार्किंग की समस्या से जो है वो मारवी साहब को निजात दिलाई जाए। एन स्टार न्यूज़ के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जम्वाल की रिपोर्ट।